प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम संख्यावाचक शब्दों का अभ्यास करेंगे। संख्यावाचक शब्दों को अशुद्धि संशोधन से संबंधित प्रश्नों में अधिकतया पूछा जाता है, अतः संख्याओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है। संख्या ज्ञान आपने उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्राप्त किया है, फिर भी आपको 1 से 100 तक की संख्या का ज्ञान और संख्यावाचक शब्दों के विभक्तियों में रूप तथा उनका वाक्य में प्रयोग करना सिखाऊंगा। शुरू करने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब करके, यहाँ से लाल रंग में जो सब्सक्राइब लिखा है उसको सब्सक्राइब करके मुझे और अधिक उत्साहित करें। आइए हम अभ्यास शुरू करते हैं। देखिए, ये जो संख्यावाचक शब्द हैं, 1 से 4 तक की जो संख्या है वह अलग चलती है, और इसके नीचे अभ्यास दिया हुआ है। इस अभ्यास को करने से पहले आपको मैं बता दूं, आपने जो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा है, 1 से 4 तक की जो संख्या है वो तीनों लिंगों में अलग अलग पढ़ी है आपने, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। और 5 के बाद की जो संख्या है वह तीनों लिंगों में एक समान चलती है। कुछ शब्द अलग अलग चलते हैं, जैसे देख लीजिए आप, 5 से 10 तक की अलग, फिर 11 से 20, 19 तक अलग है, फिर 20 के बाद में अलग लिंग में, और ये देखिए 63, 74, ये अलग अलग लिंगों में चलती हैं। तो ये इस प्रकार से संख्या है जो आपने कुछ प्राथमिक कक्षाओं में सीखी है। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आप देख लीजिए, मैं वीडियो को धीरे धीरे यहाँ से चलाता हूँ, आप पॉज करके याद कर लीजिए। याद नहीं करते तो आप इसको पहले लिख लीजिए, लिख करके धीरे धीरे याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो हम अभ्यास करेंगे उसमें बहुत आवश्यक है इसको याद करना, अन्यथा फिर वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप संख्या अच्छी तरह से याद रखें, और एक बार याद कर लिया फिर आप नहीं भूलोगे, ये पक्का मेरा विश्वास है, क्योंकि संख्या भूलने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, आप भूलोगे नहीं। ये देखिए, यहाँ संख्यावाचक शब्द, मैंने बोला था आपको संख्यावाचक शब्द, तो संख्यावाचक शब्द में आप जिस प्रकार से बालक शब्द चलता है, नदी शब्द चलता है, उस प्रकार से संख्यावाचक शब्दों के भी रूप होते हैं विभक्तियों के अनुसार। देखिए, यहाँ एक शब्द जो है उसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में विभक्ति अनुसार रूप देखिए आप। प्रथमा विभक्ति में एक का है, पुल्लिंग में बनता है एका, स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में एकम। द्वितीय में देखिए एकम, एकाम, एकम। जिस तरह से एक का है शब्द, एक शब्द पुल्लिंग में बालक की तरह से चलता रहेगा, जैसे आपने तत् शब्द रूप पढ़ा है या बालक पढ़ा है या एतत् पढ़ा है, तो उसके जैसे इसमें रूप चलते हैं। ऐसा ही लता शब्द की तरह से यहाँ पर भी तत्, एतत् या किम शब्द के रूपों की तरह से इसके रूप चलते, वैसे ही विभक्ति लगती है। और नपुंसक लिंग में भी फलक शब्द की तरह से इसके रूप चलते हैं, आप देख लीजिए एक बार। एक है, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन, इस प्रकार से इसके स्त्रीलिंग में देख लीजिए, एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम, इसी प्रकार से नपुंसक लिंग में भी एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन। फिर देखिए, और ये हमेशा एक वचन रूप है, ये भी आप यह ध्यान में रखें कि ये एक वचन है, क्योंकि एक है तो एक वचन होगा। फिर देखिए द्वि, द्वि है तो द्विवचन रूप है, तो ये सारे शब्द हैं द्विवचन में है तीनों लिंगों में, द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, सातों विभक्तियों में है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, परंतु है कौन सा वचन, द्विवचन है। यह देखिए नोट लिखा हुआ, द्वि संख्यावाची शब्द द्विवचनांत होता है, अर्थात हमेशा द्विवचन में ही होता है। फिर देखिए त्रि, त्रि शब्द है वो तीन, इसका अर्थ है, तो ये
नित्य बहुवचन है, हमेशा बहुवचन की तरह से ही प्रयुक्त होगा, एक वचन द्विवचन इसका होगा नहीं। पुल्लिंग में देखिए त्रिय है, त्रीन त्रिभि त्रिभ्य त्रिभ्य त्रयाणाम त्रिषु, ऐसे स्त्रीलिंग में है तिस्र है तिस्र है तिस्रभि तिस्रभ्य तिस्रभ्य तिस्रीणाम तिस्रिषु, फिर त्रीणि त्रीणि त्रिभि त्रिभ्य त्रिभ्य त्रयाणाम त्रिषु। तो त्रिव इसके बाद के सभी संख्यावाची शब्द बहुवचनांत होते हैं। तो चतुर भी इसी तरह से होगा, चतुर शब्द चार, चतवार है चतस्र है चतवारी, इस तरह से इसके रूप चलते हैं, सातों विभक्तियों में अलग अलग है। फिर देखिए पाँच से दस तक की जो संख्या है वो तीनों लिंगों में एक समान चलती है, उसके बाद अलग अलग चलती है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले भी। अब चलते हैं हम अभ्यास जो इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ वो देखिए। मुख्यतया मैं आपको एक से चार तक की संख्या, मेरा उद्देश्य है कि एक से चार तक की संख्याओं का सही तरह से आप प्रयोग करना सीख जाएं। उसके बाद विभक्ति के जो रूप है शब्दों के, संख्यावाचक शब्दों के, उसका रूप मैं आपको करवाऊंगा इसी वीडियो में। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, वो बता देता हूँ कि जो संख्यावाचक शब्द हैं वो एक विशेषण की तरह से प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा का विशेषण की तरह से इसका प्रयोग होता है। तो विशेषण की तरह से प्रयोग होता है तो इसमें देखिए पहला अभ्यास मैं करके आपको बताता हूँ। बालक जो संज्ञा शब्द है इसका विशेषण भी इसके जैसा ही होगा, अर्थात बालक शब्द में जो वचन और जो लिंग है वही वचन और लिंग विशेषण में होगा। तो यहाँ बालक शब्द पुल्लिंग में है और एक वचन है, तो इसका संख्यावाचक शब्द जिसे हम विशेषण कह रहे हैं यहाँ पर, वो भी पुल्लिंग का एक वचन और प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर एक का है, सही उत्तर है। मैं आपको यही बताने वाला था, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि संख्या जो है हमेशा विशेषण की तरह से प्रयुक्त होगी, और विशेषण और विशेष्य, विशेषण और संज्ञा, विशेष्य का अर्थ संज्ञा शब्द है, तो विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति, समान वचन और समान लिंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बालक है नद्यां मग्न, बालक नदी में डूब गया, तो यहाँ पर बालक है को देख करके हम इसमें से एक को चूज करते हैं, तो यहाँ एक है शब्द सही है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है इसका, निम्ब वृक्षे खगौ तिष्ठता, यहाँ पर देखिए खगौ यहाँ द्विवचन है पुल्लिंग में है, तो इन दोनों में से द्वे और द्वौ में से कौन सा आएगा, द्वौ आ जाएगा। फिर देखिए वेदः सन्ति, वेद हैं, तो चत्वारि चतस्र चत्वार है, तो वेदः यहाँ पर पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है और संख्यावाचक शब्द है चार, तो चत्वार है पुल्लिंग का आपको प्रयोग करना है। चत्वार शब्द किस में है, पुल्लिंग में चार के लिए, ये देखिए यहाँ पे। और चलिए अगला प्रश्न तीसरा है, तत्र मार्जारी अस्ति, वहाँ बिल्ली है, मार्जारी यानी बिल्ली, तो यहाँ स्त्रीलिंग में है मार्जारी, तो एक का यहाँ पर सही उत्तर है। फिर बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति, बालकः तो बहुवचन है बालक, तो त्रय है त्रीणी तिस्र, तो बालक पुल्लिंग में है, तो त्रय है भी पुल्लिंग में है, तो त्रय यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए संख्यावाचक शब्द, संख्या जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक से चार तक की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग चलती है, इसके बाद पाँच के बाद में एक जैसी चलती है। तो यहाँ देखिए पांडवाह आसन, तो यहाँ देखिए पंचाह, ये कन्फ्यूज करने के लिए है, पंचा ये भी कन्फ्यूज करने के लिए है, पंच शब्द है वो तीनों लिंगों में एक जैसा चलता है, तो यहाँ पर सही उत्तर पंच होगा। फिर देखिए अब आगे का जो प्रश्न है वो विभक्ति से संबंधित है, जो विभक्ति वाला जो मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए जो एकम एकेन एकाम एक
इस तरह के जो शब्द हैं सातों विभक्तियों में जो प्रयुक्त होते हैं उसकी तरह से हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। सातवें प्रश्न में देखो, सह कथाम लिखती, यहाँ देखिए कथा शब्द, कथाम लिखती, तो द्वितीय का एकवचन है, तो यहाँ पर देखिए द्वितीय का एकवचन वाला शब्द आपको प्रयोग में लेना है, लेकिन लिंग का भी ध्यान रखना है, कथा शब्द स्त्रीलिंग में है तो यहाँ एकेन, ये तो तृतीय विभक्ति का हो गया तो ये तो नहीं होगा। एकाम, ये एक शब्द स्त्रीलिंग में है, द्वितीय का एकवचन, तो ये सही उत्तर है। एकम क्यों नहीं है, क्योंकि ये या तो पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पर कथा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो ये सही उत्तर है एकाम। फिर अतिथि जनाभ्याम नमः, तो द्वे द्वे द्वाभ्याम, तो यहाँ पर अतिथि जनाभ्याम के लिए द्वाभ्याम, यानी जैसा विशेषण जैसा विशेष्य वैसा ही विशेषण। यहाँ पर देखिए कथाम, कथा के लिए हमें विशेषण प्रयुक्त करना है, तो एकाम किया सेम विभक्ति वचन और लिंग का, और उसी विभक्ति वचन और लिंग का हमें यहाँ पर द्वाभ्याम सेलेक्ट किया है, चूज किया है, बिल्कुल सही है। फिर सरोवरेषु नील कमलानि सन्ति, देखो त्रयेषु तिसरिषु त्रिषु, सरोवरों में नील कमल हैं, तो ये देखिए त्रयेषु शब्द है, ये है ही नहीं और ये हमें कंफ्यूज कर देता है। त्रयेषु तीनों में ही नहीं है, देखो पुल्लिंग में भी नहीं है, स्त्रीलिंग में भी नहीं है और नपुसक लिंग में भी नहीं है, तो फिर उसको क्यों प्रयुक्त किया गया है, है ना? तो ये वर्तनी संबंधी ये शब्द है वो केवल कंफ्यूज करने के लिए है, आपको भ्रमित करने के लिए है, तो इसमें नहीं आए, आप इसको याद रखिए, त्रिशु शब्द होता है, तो सरोवरेषु त्रिशु सरोवरेषु नील कमलानि सन्ति, सही उत्तर यह है। स्त्रीलिंग का है ये तिसरिषु, तो स्त्रीलिंग में हो गया, लेकिन सरोवरेषु यहाँ पर पुल्लिंग में है। फिर देखिए तस्मिन शब्द, तस्मिन वने विशालौ वृक्षौ स्तः, उस वन में विशाल वृक्ष हैं, तो द्वे और द्वौ में से कौन सा आएगा, तो यहाँ विशालौ, तो द्वौ, ये सही उत्तर है आपका। इस प्रकार से आप संख्या शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं, और अशुद्धि संशोधन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनमें भी आप इसका प्रयोग करते हैं और अपने वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे दर्शकों, नमो नमः है।